बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत बहुत जल्द अपनी फिल्म धाकड़ लेकर आने वाली है। कंगना रनौत अपनी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड भी नजर आ रही हैं, क्योंकि फिल्म की तरह ही उनका किरदार भी इस फिल्म के अंदर काफी धाकड़ देखने को मिलेगा। कंगना रनौत की आने वाली फिल्म धाकड़ के पहले गाने का टीजर रिलीज किया गया है। इस गाने में हर किसी की नजरे कंगना के बोल्ड अंदाज पर ठहर गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत बहुत जल्द फिल्म धाकड़ में नजर आने वाली है। एक्ट्रेस ने इस अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन भी करना स्टार्ट कर दिया है। इसी बीच फिल्म के ट्रेलर का पहला गाना रिलीज हो चुका है, जिसे फैंस की तरफ से काफी प्यार मिलना शुरू भी हो गया है। इससे पहले एक्ट्रेस ने शी इज ऑन फायर गाने का टीजर रिलीज किया है। गाने के टीजर में कंगना रनौत का हद से ज्यादा बोल्ड अंदाज देखने को मिल रहा है। गाने का टीजर कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बात करें गाने के टीजर की, तो गाने के ये बोल्ड टीजर वीडियो और इसमें कंगना का अंदाज देखने के बाद अब हर किसी को इस पूरे गाने का बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने गाने का टीजर रिलीज किया है, जिसके बोल होंगे शी इज ऑन फायर। शी इज ऑन फायर गाने में बादशाह ने अपनी आवाज दी है। इसके साथ ही कंगना के अलावा इस गाने में अर्जुन रामपाल भी नजर आएंगे। गाने में आपको कंगना रनौत के कई अवतार देखने को भी मिलेंगे। टीजर शेयर करने के साथ कंगना ने लिखा है कि आग इतनी भीषण कि फायर ब्रिगेड भी इसे बुझा नहीं सकती है। इस गाने के टीजर में कंगना रनौत का जो बोल्ड अंदाज है, वो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि धाकड़ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कंगना का एक्शन अवतार देखने को मिलेगा। बंदूक चलाने से लेकर विलेन से फाइट करती हुई नजर आएंगी कंगना रनौत। रजनीश घई इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं कंगना रनौत के अलावा फिल्म में अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता भी नजर आएंगी। 24 मई को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। अगर आपने अभी तक फिल्म के गाने का टीजर नहीं देखा है तो जरा देख लीजिए और आकर बताइए कि कंगना रनौत का ये बोल्ड अंदाज आपको कैसा लगा। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए कर लीजिए, क्योंकि आपको बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड हर एक अपडेट हमारे चैनल पर ही मिलने वाली है।